इमाम उल हक के बाद अब अजहर अली ने भी मचाया कोहराम। 185 रनों की तूफानी पारी खेल कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर और कैसा रहा है मुकाबले का हाल, बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अजहर अली ने टेस्ट सीरीज में शानदार आगाज किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रावलपिंडी में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अजहर अली ने 361 गेंदों पर 185 रन बनाए। पूर्व कप्तान ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और 257 गेंदों तक अपना शतक भी पूरा कर लिया। यह उनके टेस्ट करियर का 19वां शतक था। यह रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की तरफ से दूसरा शतक था। इससे पहले सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक ने 157 रन बनाए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 208 रनों की बड़ी साझेदारी कर पाकिस्तान को अच्छी स्थिति में पहुंचाया था। मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अजहर अली ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को खूब चकाया। टेस्ट मैच में उन्होंने 257 गेंदों पर शतक लगाया। अजहर अली अब टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की टॉप 5 लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं उनमें यूनिस खान 34, इमाम उल हक 25 और मोहम्मद यूसुफ 24 शतक लगा चुके हैं। अजहर अली ने 19 शतक लगाए और वे 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा जावेद मियांदाद ने 23 शतक लगाए हैं। पाकिस्तान की ओर से इमाम उल हक ने प्रभावशाली पारी खेली। उन्होंने 1.5 दिन तक बल्लेबाजी की। इस दरमियान वह क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाने में सफल हो गए। इमाम 358 गेंदों पर 157 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं। यह उनके करियर का पहला टेस्ट शतक है। इससे पहले 76 रन उनका सबसे बड़ा स्कोर था। 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए अब वापसी आसान नहीं रहने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 476 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी 5 रन बना लिए हैं। अब देखना होगा कि तीसरे दिन पाकिस्तान के गेंदबाज क्या कमाल करते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।